हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। सीमा रेखा को लेकर अक्सर पड़ोसी देशों में तानातानी देखी जाती है। कई बार सीमा विवाद को लेकर हालात इतना ख़राब हो जाता है कि व्यापक पैमाने पर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है और कई सारे बेकसूर लोगों की जाने जाती है। इसी वजह से दुनिया भर में कई देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कटीले तारों से फेंसिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में एक ऐसा बॉर्डर भी है जहां आप एक देश में नाश्ता बना सकते हैं और दूसरे देश में जाकर खा सकते हैं। ये बॉर्डर बाले में स्थित है। बाले शहर दो देशों की सीमाओं के बीच बसा हुआ है। ये शहर नीदरलैंड और बेल्जियम की सीमा पर स्थित है। यहाँ स्थित कई सारे सामुदायिक भवन और कैफे हाउस का आधा हिस्सा नीदरलैंड में है तो आधा हिस्सा बेल्जियम में। इस शहर का जो भाग नीदरलैंड के पास है उसे बार्ले नासाउ और जो भाग बेल्जियम के पास है उसे बार्ले हर्टोग कहा जाता है। दोनों देशों के बीच की इस सीमा रेखा को एक सफ़ेद क्रॉस बनाकर चिह्नित किया गया है। कई जगहों पर दोनों देशों के बीच की ये सीमा रेखा लोगों के घरों के भीतर से होकर गुजरती है। घर के भीतर अगर बेड सीमा रेखा के ऊपर रखा हुआ है तो सोते वक्त यहाँ के लोग करवट बदलते ही नीदरलैंड पहुँच जाते हैं। अगर इस शहर के इतिहास की बात करें तो स्थानीय पर्यटन कार्यालय के प्रमुख विलियम बेन गुल बताते हैं कि ब्रेडन के ड्यूक हेनरी वन ने 1898 में इस क्षेत्र को ब्रेडा के शासक को पट्टे पर दिया था। गौरतलब बात यह है कि उस दौरान यह जमीन उपजाऊ नहीं था। कई सालों बाद 1830 में जब नीदरलैंड से अलग होकर बेल्जियम एक नया देश बना तो सीमाओं का निर्धारण शुरू हुआ। उस वक्त सर्वेक्षकों ने उत्तरी सागर के तट से जर्मन राज्य को निर्धारित किया। वहीं जब सर्वेक्षक इस इलाके में पहुंचे तो यहाँ की सीमा को निर्धारित करने का फैसला बाद में लेने के लिए कहा। बाद में जब सीमा का निर्धारण किया जाने लगा तो उस वक्त शहर में कई सारे घर, दुकानें, पार्क आदि बटे हुए थे। स्थायी संघर्ष ना हो इसलिए यह फैसला लिया गया कि एक सीमा रेखा खींची जाएगी और उस सीमा रेखा पर स्थित घर का द्वार जिस देश की सीमा पर खुलेगा उसे उसी देश की नागरिकता दी जाएगी। इस शहर में हर चीज़ दो है। इस शहर के दो नाम हैं, नगर पालिका दो है, डाकघर दो है, लेकिन इन सब को नियंत्रित एक ही समिति करती है। अपने इसी अनोखेपन के चलते यह शहर अक्सर सुर्खियों में बना रहता है और दुनिया भर से कई सारे पर्यटक इसे देखने आते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।